पीछे से किसी ने हो सकता कोई पत्थर पीछे से कोई पत्थर मारे होंगे, इतना भीड़ भाड़ में किसी ने पत्थर मारे होंगे। सरकार ये सुबह की जो पुलिस बल है, ये पुलिस अनदेखी कर रहे हैं। अनदेखी के चलती बहुत सारे घटना घट सकती है। ये तो छोटी मोटी कोई घटना घटी है, कोई पत्थर मारे हैं, बहुत बड़ी कुछ भी घट सकती है। अधीर रंजन चौधरी का ये बयान सुन लिया आपने। अब आप कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर चस्पा ये पोस्ट भी देख लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अधीर रंजन चौधरी उत्तर बोल रहे हैं तो दूसरे कांग्रेसी दक्षिण। तो सवाल ये है कि राहुल की कार के टूटे शीशे को लेकर कांग्रेसियों में इतना कंफ्यूजन क्यों है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए। अधीर रंजन से उलट कह रही हैं किसी ने पत्थर नहीं मारा, एक हादसा हुआ जिसके चलते कार का शीशा टूट गया। राहुल जी जहाँ भी जा रहे हैं था अपार जनसमूह उनसे मिलने आ रहा है। यही हाल मालदा में भी था, यही हाल बिहार में भी था, यही हाल मणिपुर से लेकर अभी तक जितने भी राज्य हमने कवर किए उसमें था, असम में भी था। आज सुबह बहुत बहुत अपार जनसमूह आया था और एकाएक एक महिला उनसे मिलने के लिए आगे जब गाड़ी आके आई तो गाड़ी पर अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा और जिन रस्सों से प्रशासन और पुलिस भीड़ को थोड़ा नियंत्रित करती है वो रस्सा विंडशील्ड पे लग गया और उससे विंडशील्ड जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, वो टूट गई। राहुल जी बिल्कुल सुरक्षित है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मुद्दों को लेकर वो लड़ रहे हैं, जिस न्याय की मुहिम में वो आगे बढ़ रहे हैं, ये देश उनके साथ खड़ा और ये देश उनको सुरक्षित रखेगा। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में थी। इसी दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अपनी ब्लैक एसयूवी कार में राहुल गांधी बैठे हैं, उस कार का पीछे का शीशा पूरी तरह चकनाचूर है, जिसके बाद मीडिया कर्मी राहुल की कार के पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर चली कि राहुल गांधी की गाड़ी पर हमला हुआ है, इसकी पुष्टि अधीर रंजन चौधरी ने भी कर डाली। अब इसे ममता बनर्जी से चल रही अधीर रंजन की लड़ाई कहें या राहुल गांधी की कार पर हुए हमले की सच्चाई, लेकिन अधीर रंजन ने ममता राज में राहुल की सुरक्षा की अनदेखी का मुद्दा उठा दिया और पत्थर से कार पर हमले को भी सच बता दिया। राहुल गांधी जी जैसे एक हस्ती, ये हाई प्रोटेक्टेड, ये हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड एक आदमी, एक हमारे पॉलिटिकल लीडर, नेशनल लीडर कांग्रेस पार्टी के, अगर उनकी तरह इस तरीके की मतलब अनदेखी किया जाते हैं, आप खुद देख रहे थे। हम मध्यान्ह भोजन के लिए एक जगह चुने थे, बाकायदा वो जगह एक सरकार सूबे की सरकार की बंगला था, इरिगेशन की बंगला, हमें ये इज्जत नहीं दिए गए। ये खाली मैदान में आने पर राहुल जी को, राहुल जी उधर है, चारों तरफ देखो कोई, यहाँ आप सिक्योरिटी के इंतजाम है, कोई इंतजामियत नहीं है, वो चाहते कुछ ना कुछ घटना घटे, बदनाम हो राहुल जी की बस। लेकिन इस खबर के सामने आने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, गलत खबर को लेकर स्पष्टीकरण। पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल जी से मिलने अपार जनसमूह आया था। इस भीड़ में एक महिला राहुल जी से मिलने अचानक उनकी कार के आगे आ गई, इस वजह से अचानक ब्रेक लगाई गई, तभी सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्ते से कार का शीशा टूट गया। जननायक राहुल गांधी जी जनता पर हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता उनके साथ है, जनता उनको सुरक्षित रखे। इधर बीजेपी को इसी बहाने निशाना साधने का मौका मिल गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि इतना गंभीर मामला है, राज्य सरकार की कानून व्यवस्था का सवाल है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी, अराजकता और अनिश्चितता का माहौल है, राज्य को इसे देखना चाहिए, ये गंभीर विषय है। लेकिन उत्तर पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी और एक अनिश्चितता का माहौल है, तो निश्चित रूप से इसका जवाब दे। पहले ही घटनाएं भी हुई हैं, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी पे भी एक बार काफिले पर हमला हुआ है, अभी पीछे ईडी की टीम गई थी उस पर हमला हुआ है। दरअसल बिहार में कटिहार से आगे बढ़ते हुए बुधवार सुबह 11:30 बजे के आसपास राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली न्याय यात्रा मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई थी। कांग्रेस के पूर्व चीफ इस दौरान एसयूवी की छत पर बैठे देखे गए थे। इसी कार का पीछे का शीशा टूटा था, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ही कंफ्यूजन में।